बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दोशुस किचन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोशुस किचन में आज की रेसिपी शेयर करते हैं। मीठा बना रहे हैं, सेवैयां बना रहे हैं, बहुत ही इजी सी रेसिपी बना रहे हैं हम, ऑयल वाली सेवैयां बना रहे हैं। रेसिपी बहुत ही इजी सी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। तो फ्रेंड, रेसिपी आज की हमारी सेवैयां बना रहे हैं, उसमें सेवैयों को थोड़ा बहुत मैंने ये देखे तोड़ लिया है। और इसके अलावा इसमें ये कुछ नट्स हैं जो मैं इसमें यूज़ करूँगी। नट्स में हमारे पास कोकोनट है, किशमिश है, पिस्ता और बादाम है। आपकी चॉइस के हिसाब से जो भी आप यूज़ करना चाहें, इसमें नट्स जितने मर्जी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं अपने सेवैयों की क्वांटिटी के हिसाब से कर रही हूँ। और इसके अलावा जो चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी को। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन हम रख चुके हैं, उसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया मैंने इसमें। उसके साथ ही ये देखें थोड़ी सी क्रश कर ली है मैंने छिलके समेत, ये इलायची है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इलायची डाल के थोड़ा सा इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। और साथ ही में हम अपनी ये देखें जो हमने सेवैयां रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। मेक श्योर कि ये जले नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा। बस हमारी जो सेवैयां हैं वो हो चुकी हैं। मैं ये सेवैयां की रेसिपी अपने स्टाइल से जो मैं बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर घर में मीठा बनाने का जो भी तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये रेसिपी जो है मैं अपने स्टाइल से जैसा कि मैं बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ आपसे। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, ऐड करूँगी यहाँ पे, इस पे लेड लगाएंगे, रखेंगे इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। पानी देखें सेवैयों का तकरीबन हाफ रह गया। इसमें हम ऐड करेंगे मीठा, ऐड करेंगे। क्वांटिटी में आपको शेयर नहीं कर रही क्योंकि आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे जितना आप मीठा बना रहे हैं। तो ये देखें लगभग हमारी सेवैयां बन चुकी हैं। इसमें मीठा जो हमने इस पॉइंट पे इसलिए ऐड किया ताकि इसमें देखिएगा एंड में बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। देखिए शुगर में भी थोड़ा बहुत जो पानी है छोड़ती है वो छोड़ चुकी है। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो हमने नट्स बना के रखे हुए थे, कटिंग करके वो रखे हुए थे, ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे इनमें ताकि इसमें जितना भी पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। तो देखिए सेवैयां हमारी लगभग बन चुकी हैं। तो करते हैं डिश आउट, इसको फ्लेम करते हैं ऑफ। कर लेते हैं थोड़ा सा गार्निश इसको। तो ये देखिए रेडी है हमारी सेवैयां, बहुत ही यम सी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो इसके साथ ही दोशुस किचन को इजाज़त दें। टिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।